हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं वर्ल्ड बेस्ट स्कूल इन इंडियन डेजर्ट। आज हम देखेंगे इंडिया की डेजर्ट के अंदर, मतलब सहरा के अंदर, मतलब एक बहुत ही बेस्ट किस्म का स्कूल है। अब ये कैसा स्कूल है, ये तो पहले हम वीडियो देखेंगे, तब ही हमें सही से आइडिया होगा। मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज फर्स्ट हम डेजर्ट के अंदर स्कूल कैसे होते हैं वो भी देख लेंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। तो गाइस यार, मैं हूं अभी रेगिस्तान के अंदर। और क्या कभी आपने सोचा है कि एक रेगिस्तान के अंदर भी कोई स्कूल हो सकता है? और स्कूल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ऐसा स्कूल जो कि पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं, पूरे भारत में नहीं। वो जो स्कूल है वो खूबसूरती की एक मिसाल है। साथ ही साथ इस तपते रेगिस्तान के अंदर भी वो जो स्कूल है उसकी जो बनावट है वो कुछ इस तरीके से है कि वो ठंडा ठंडा कूल रहता है बिना किसी एसी के। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वही दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वो जो स्कूल है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है यहाँ आसपास रेगिस्तान के अंदर जो भी बच्चे रहते हैं, जो गर्ल्स रहती है उन्हें, उनकी यहाँ पे शिक्षा फ्री है, उनका खाना फ्री है, यहाँ से उनका आने जाने का जो खर्चा है वो फ्री है, यहाँ की किताबें ड्रेसेस सब फ्री है, सिर्फ पढ़ाई के लिए, ताकि अपना भारत आगे बढ़ सके, जो नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे पढ़ सके। तो यार, इस कमाल की चीज के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते भाई, हर चीज फ्री है वाकई में। तो गाइस यार, इधर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बस रेगिस्तान है और रेगिस्तानी मिट्टी है। और इस रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर बसा हुआ है, इधर देखो ये कमाल का स्कूल। इमारत कैसी है भाई, बहुत कमाल की है यार, गोल सी है ना, गोल है बिल्कुल वाकई, और बहुत यूनिक सा है ना। हाँ। ये राजस्थान में होगा मैं भी। हाँ भाई, उधर ही है ना, रत्नावती, राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है। ये तो जिस तरह अंड हाँ ओवल है, बिल्कुल बहुत प्यारा यार, वाकई यार बहुत प्यारा, मजाक के अलावा भाई बहुत प्यारा है। मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा स्कूल देख रहा हूं। यार आप देख सकते हैं कि इसी स्कूल की जो बनावट है वो बाकी किसी भी और स्कूल से बिल्कुल अलग है। हाँ। देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि भाई तपती धूप के अंदर भी ये जो स्कूल है वो ठंडा ठंडा कूल रहता है। और ये जो स्कूल है ये पूरी तरीके से एक अंडे जैसा, एक गोलाकार अंडे की तरह बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी बाहर से इसे आपको दिखा रहा हूँ, तो देखते जाओ। तो गाइस यार, बाहर से ये जो स्कूल है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बिल्कुल, इसका जो नाम है वो है रत्नावती गर्ल्स स्कूल, और साथ ही साथ इसे ज्ञान सेंटर भी कहा जाता है। तो गाइस यार, ये जो स्कूल है ये रेगिस्तान के बीचों बीच में बना हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से इसे दिखा रहा हूँ। इतनी दूर से लोग आते हैं, डिजाइन देखो, उनका खर्चा भी यही होता है। गोल गोल अंडे जैसा, बहुत ही ज्यादा ऑसम। ये पूरी तरीके से गर्ल्स स्कूल है, यानी कि इसके अंदर गरीब जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं वो पढ़ाई करेंगे। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं कि अभी भी जो गोला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे छेद हैं, तो ये छेद क्या करते हैं, हवा को सर्कुलेट करते हैं। हवा इससे कुछ इस तरीके से निकलती है और गुजरती है कि भाई पूरा स्कूल जो है वो अंदर से ठंडा रहता है। तो गाइस यार, अब हम इस स्कूल के अंदर एंटर करने वाले। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आगे ये इसका मेन गेट है और यहाँ से अपन स्कूल के अंदर चलते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा स्कूल। स्कूल के अंदर आते ही जो टेम्परेचर है उसके अंदर डिफरेंस आ गया है। बाहर गर्मी थी लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा ठंडा मुझे लग रहा है। आ जाओ यार, अंदर से प्यारा स्कूल, स्कूल है ना, तरीके से दिखाई देता है। सच में बहुत कमाल का फील। आपको दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो ये यहाँ का स्टाफ रूम है, देखो यार अच्छा है यार। ये जो है ना, ये बाहर से दिख रही थी अपने खिड़की नुमा, ये अंदर से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। और यहाँ से हवा कुछ इस तरीके से आती है कि अंदर का जो टेम्परेचर है उसके अंदर 8 डिग्री तक का डिफरेंस आ जाता है। अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि अंदर काफी ज्यादा ठंडक है।
अभी देखो इसका डिजाइन, और ये है इस कमाल के स्कूल का टॉयलेट वगैरह, जहाँ पर छोटे हाँ। बच्चे जो है टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शीशे वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम वगैरह है, पूरा मतलब यार एक अलग ही लुक है, एक अलग ही डिजाइन हाँ। है। देखो इससे आगे आ जाते हैं, यूनिक सा डिजाइन है, अच्छा लग रहा है वगैरह बन रखे हैं। और ये देखो डिजाइन हाँ। ये कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि ये पत्थर खुद ही ठंडे रहते हैं, अगर मैं इतने छू रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा ठंडे हैं। आगे आ जाओ, इस तरह के पत्थर ताकि ठंड रहे है ना मस्त। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये देखो एक यहाँ पर ये पेड़ है और उधर वहां पर एक और पेड़ है, वो पेड़ गाइज यार जब इस स्कूल को देखो, ये जो स्कूल है ना ये कोई गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल भी नहीं हाँ। है, बल्कि इस स्कूल को बनाया है एक एनजीओ ने, जिनके जो एनजीओ है उन्हें चलाते हैं माइकल जी, तो उन्होंने इसे बनाया है। और इसके लिए जो जमीन थी वो दी है महरावल जी शेखावत ने, तो जब उन्होंने जमीन दी तो उनकी एक शर्त थी यार कि स्कूल का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाए, ये जो दोनों पेड़ है ये यहीं पे रहे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जो पेड़ है वो वहीं पे है और इसके चारों तरफ ये खूबसूरत सी बाउंड्री कर रखी है। आ जाओ गाइस, तो गाइस यार यहाँ से अपन ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ से ऊपर आते हैं काफी यूनिक, ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की छोटी छोटी सी खिड़कियां बन रखी है। तो ये खिड़कियां क्या करती है, बाहर की हवा को देखो, यहीं से हवा आना स्टार्ट होगी, ये हवा ठंडी होके आ रही है, पता नहीं यार ठंडी होके आ रही है, बाल उड़ रहे हैं, हवा निकलती है फिर इनके अंदर जाती है, और इनके अंदर जाने के बाद ये जो अंदर का पूरा कैंपस है इसे ठंडा करती है। आ जाओ, वाओ यार। और ऊपर देखो गाइस, ऊपर कुछ इस तरीके से ठंडे रखते हैं ये वाले पत्थर, या तो जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए, क्या दिमाग के साथ अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहे, में भी इस हिसाब से बिजली तो है नहीं, सोलर लगे हैं, आप देख सकते हैं कि सोलर प्लेट्स लगी हुई है और इसकी मदद से ही देखो भाई इसके अंदर की जो पंखे वगैरह हैं या फिर जो लाइट बल्ब्स हैं वो जलते हैं, यानी कि बिल्कुल पूरा साफ सुथरा काम। और यहाँ से जो स्कूल है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। और साथ ही साथ गाइस एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अभी तो ये जो स्कूल है इसका आधा काम हुआ है, अभी तो इसके अंदर और भी चीजें बनना बाकी हैं, यानी कि यहाँ पर इसी तरीके की एक और बिल्डिंग बनेगी और बीच के अंदर एक और बिल्डिंग बनेगी, एक के अंदर छोटे गर्ल्स हैं उनको पढ़ाया जाएगा और दूसरे के अंदर जो यहाँ की औरतें हैं या फिर यहाँ की जो लेडीज वगैरह हैं उन्हें काम सिखाया जाएगा, ताकि वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इधर आ जाओ गाइस, ये देखो पूरा औरतों को भी काम, देखो यार चारों तरफ कुछ भी नहीं है, बीच रेगिस्तान के अंदर एक स्कूल है ना, कमाल की बात। तो गाइस यार इधर की साइड में आप देख सकते हैं कि जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और यहाँ से एक रास्ता नीचे को जाता है, ये देखो आ जाओ। इसका डिजाइन कुछ इस तरीके के से है कि जो हवा है वो अंदर जाके ठंडी हो जाए, ये देखो यहाँ से कुछ इस तरीके का है, यहाँ से हवा आती है इनके अंदर गुजरती है फिर इससे उसमें जाती है और फिर मेन कैंपस के अंदर जाती है। आ जाओ, तो गाइस यार ये जो स्कूल है ये है जैसलमेर के कन्नौई विलेज के अंदर, और ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है बल्कि एनजीओ की तरफ से बनाई गई है। तो मैं आपको इसके जो क्लासरूम है वो भी दिखा देता हूँ, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। देखो भाई अंदर आते ही ठंडक का एहसास होता है, उन खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा आती है, उसके बावजूद भी फैन लगा रखे हैं क्योंकि जैसलमेर है, आपको पता है कि यार कि गर्मियों के टाइम में जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे तो नहीं लगता कि पंखे चलाने की कभी जरूरत पड़ती होगी। गाइस देखो इसके ऊपर जो बैठने की कुर्सी है ना वो भी अपने आप में ही कमाल है, देखो ये देखो कुर्सी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल देसी तरह गांव वगैरह में होती है, क्या बात है, छोटे बच्चे पढ़ के बैठ के पढ़ेंगे आराम से। और वो देखो इधर बोर्ड लगा हुआ है और साथ ही साथ ये जो स्कूल है इसके अंदर एक साथ 400 बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, यानी कि 400 गर्ल्स एक साथ पढ़ सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सभी इसी तरीके के रूम है, वाह डिजाइन मस्त है गाइस यार, आ जाओ। तो गाइस देखा आपने, ये था राजस्थान के जैसलमेर के कन्नौई विलेज के अंदर स्थित द ज्ञान सेंटर, इसकी डिजाइन मैंने आपको रत्नावती मैंने आपको बताई। तो आई होप ये स्कूल आपको अच्छी लगी होगी, और
उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इंडिया के अंदर और भी प्रोजेक्ट्स चलेंगे जिनके अंदर गरीब बच्चे पढ़ेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। सबसे यूनिक स्कूल था जो हमने देखा, मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच ये वाला बना हुआ है, जो कि मतलब दूर दूर आबादी नहीं है। और मजे की बात, किताबों से लेकर कपड़ों से लेकर जो यहाँ तक ट्रांसपोर्ट आता है, लेकर भी आता है, खाना से लेकर हर चीज उन गरीब बच्चों के लिए फ्री है यार। मतलब बहुत अच्छा स्टेप है यार। और जिस तरीके से स्कूल बनाया अंडे की शेप में और हवा से ठंडा रहता है और सोलर सिस्टम सारे लगे, और तुम इस बात से आइडिया लगा लो, मतलब इतने कमाल तरीके से बनाया। मतलब हर तरफ देखो, जहां तक निगाह जाए तुम्हें सिर्फ रेगिस्तान नजर आएगा और कुछ नहीं। इसके बीच बीच बनाए हुए, और जिस बंदे ने मतलब उधर का उसने बोला पेड़ इस तरह रहे और पेड़ प्यारे भी लग रहे, प्यारे भी लग रहे थे। और यार मतलब ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, इस तरह के हो सकता है और भी जैसलमेर में इस तरह के हो, जैसलमेर मतलब राजस्थान में कहीं ना कहीं होंगे इसी तरह। यार ये बहुत ही यूनिक किस्म, वाकई मैं कह सकता हूँ इंडिया का यूनिक स्कूल था, वाकई यूनिक स्कूल, मोस्ट अभी बहुत ही ज्यादा यूनिक था, वाकई में बहुत, मतलब कमाल का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था यार। एनजीओ को भी सलाम जो इतना अच्छा यार, इतना सोचा। और ये एनजीओ पता नहीं अब माइकल उनके नाम था जिनका एनजीओ, अब वो पता नहीं इंडिया की कोई एनजीओ, इंडिया के भी हो सकता है शायद माइकल उसका हेड हो, तो या बाहर की भी हो सकती है, लेकिन जो भी है स्टेप बहुत अच्छा स्टेप था। वैसे आप क्या कहते हैं, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, किस किस ने फर्स्ट टाइम देखा कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।